नाला बाजार के व्यापारी ई रिक्शा चालकों के खिलाफ हुए लामबंद, पुलिस को मौके पर बुलाकर दी घटना की जानकारी। कार्रवाई नहीं होने पर बाजार बंद करने की दी चेतावनी। सोमवार को अजमेर के व्यस्ततम नाला बाजार में ई रिक्शा चालक द्वारा एक स्कूटर के टक्कर मारने और दुकान के बाहर लगे पर्दे को फाड़ने के बाद नाला बाजार के व्यापारी लामबंद हो गए और उन्होंने नाला बाजार मर्चेंट व्यापारिक संगठन के अध्यक्ष हीरालाल जीनगर के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए मदारगेट पुलिस चौकी को सूचना दी। लगभग आधा घंटे की देरी से पहुंची पुलिस से हुई वार्ता के बाद निष्कर्ष निकला कि इस मामले में आज शाम सदर कोतवाली थाने पर व्यापारिक संगठन से जुड़े लोग और पुलिस के बीच बैठक होगी, जिसमें निर्णय लिया जाएगा कि ई रिक्शा चालकों पर किस तरह से अंकुश लगाया जाए या कार्रवाई की जाए। हीरालाल जिनगर ने बताया कि व्यस्ततम नाला बाजार में जहां दोपहिया वाहन चलने की जगह नहीं होती, वहां दिन भर ई रिक्शा चालकों की आवाजाही से जहां ग्राहक परेशान होते हैं, वहीं दुकानदार भी खासे परेशान हैं। दुकानों के बाहर खड़ी गाड़ियों को टक्कर मारना, दोपहर के वक्त धूप से बचने के लिए लगाए गए पर्दों को फाड़ना, ये रोज का काम है। आज भी ऐसा ही कुछ घटनाक्रम हुआ, जिस पर टोकने पर ई रिक्शा चालक दुकानदार से झगड़ा करने पर उतारू हो गए। उसने अन्य ई रिक्शा चालकों को भी इकट्ठा कर लिया। भविष्य में ऐसी घटना कोई बड़ा रूप ले ले, उससे पहले ही इन पर अंकुश लगाना आवश्यक है। इसलिए आज पुलिस प्रशासन को मामले से अवगत करा दिया है। यदि जल्द ही इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो नाला बाजार बंद किया जाएगा। हमारे नाला बाजार के अंदर ई रिक्शा की ऐसी भरमार है, इस भरमार को देखते हुए हमने आज इसका विरोध कराया है। और आज जो दो घटना घटी है हमारे बाजार के अंदर, जिस प्रकार से एक हमारे साइड के अंदर एक एक्टिवा खड़ी, उसका मास्क फाड़ दिया, ई रिक्शा की टक्कर मार दी, ई रिक्शा वाले ने टक्कर मारी इस पर एक्टिवा पर। दूसरा क्या है कि दो घंटे के लिए हम लोग पर्दा लगाते हैं, दुकानदार धूप आती है जो, इसके लिए वो पर्दा फाड़ के निकल गया, जिसके लिए हमने इसका विरोध करा। तो वो ई रिक्शा आके रोका और चार पांच ई रिक्शा ने जबरदस्ती आके यहाँ पर दुकानदारों से हाथापाई करने लग गए, जिसका हमें पूरे बाज़ार में इसका रोष प्रकट करा हमने इसका। और हाथोंहाथ हमने इसकी पुलिस पर इसका फ़ोन करा, पुलिस लेट आई आधा घंटे बाद। आने के बाद में हमने तुरंत प्रभाव से एक जो ई रिक्शा है उसको जब्त करवाया। हमारी मांग थी इस बाज़ार से ई रिक्शा समाप्त हो, और अगर आएँ तो खाली रिक्शा ऐसा भरमार करके आ जाते हैं कि आए दिन दुकानदारों के यहाँ गाड़ी मोड़ना, उसको ई रिक्शा को मोड़ना और मोड़ के फिर वो आपसी दुकानदारों से आपस में उलझना, लड़ाई झगड़े करना। इसका रोष प्रकट करते हमने आज प्रशासन की ओर से मांग करी और प्रशासन से हमने चेतावनी दी, अगर ये कार्रवाई अगर नहीं होती है तो हम बाज़ार बंद करेंगे। मदार गेट से लेके हमारा मेश मेडिकल तक आगे एसोसिएशनों के सारे प्रतिनिधियों ने मिलकर हमारा सहयोग कराया है, उसका आभार धन्यवाद प्रकट करते हैं। हमने कोई किसी पर हाथापाई नहीं करी है, उल्टा हमारे पर हाथापाई ई रिक्शा वाला कर रहा था, जो बाज़ार के लोगों ने इसको समझाया, पुलिस के हवाला करवाया, एक ई रिक्शा लेके गए हैं। और हमारा ये मांग रहेगी अगर ये कार्रवाई अगर नहीं होती है तो हम आज इसके आंदोलन करेंगे, जिसमें हमारे एसआई है भवानी सिंह जी, उन्होंने मांग कर रखी, हमने उनको कहा, तो आज शाम को 5 बजे हम कोतवाली पे बैठ के इसकी चर्चा करके हम इस समस्या का समाधान करके आज इसका निराकरण करेंगे। अगर ये कार्रवाई नहीं होती तो हम एसपी साहब से जाके मिलेंगे, अगर उस पर भी अगर ये कार्रवाई अगर नहीं होती तो हम बाज़ार बंद करवाएंगे।